जीन पॉइंट प्रोटीन पॉइंट 15.2.4 सबसे पहले प्रोटीन सेंथिस और इट इज आल्सो नाउन एज़ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन अब प्रोक्रियोर्स में भी जीन एक्सप्रेशन होती है यूक्योर्स में भी होती है यूक्रियोर्स में जो जीन एक्सप्रेशन का प्रोसेस होता है प्रोक्रियोर्स में वो अलग है यूक्रोर्स में अलग है हम यूक्योर्स का पढ़ रहे हैं यू में जीन एक्सप्रेशन या रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन दिस इज अ मल्टीपल स्टेप प्रोसेस। की में मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है कम्प्लीट इंटू मैनी स्टेप्स फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन क्या है फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट ट्रांसक्रिप्शन क्या है इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट अब प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट को हम क्या कहते हैं इट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आर एन ए फ्रॉम डी एन ए मैसेंजर आरएनए बनता है डीएनए से तो ये स्टेप ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है नेक्स्ट जो स्टेप है इट इज कॉल्ड द स्प्लाइसिंग या स्प्लाइसिंग को हम ड्यूरिंग प्रोसेस भी कहते हैं इट इज आल्सो कॉल्ड ड्यूरिंग प्रोसेसिंग ड्यूरिंग प्रोसेसिंग थर्ड स्टेप इज कॉल्ड द ट्रांसफर ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकलता है साइटोप्लाज्म की तरफ जाता है पर राइबोसोम का जो स्मॉलर सब यूनिट है उसके साथ बाइंड होता है और फिर जो ट्रांसफर आर एन ए है वो मुख्तलिफ जो है अमाइनो एसिड अकॉर्डिंग टू द कोड एक खास सीक्वेंस में वो ज्वाइन करता है उसके बाद प्रोटीन का एक चैन बन जाता है सो दर्ड स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ मैसेंजर आर एन ए फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म मैसेंजर आरएनए पहले न्यूक्लियस में बन गया फिर वो न्यूक्लियस से, निकलता है, के जो है, उन से निकलता है और फिर, फिर स्मॉलर और लार्ज सब यूनिट नॉर्मली एक दूसरे से अलग होते हैं ड्यूरिंग प्रोटीन फॉर्मेशन जब प्रोटीन सेंथिस स्टार्ट होती है तो दोनों लार्ज और स्मॉलर सब यूनिट एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं और उसके बाद प्रोटीन सेंथिस स्टार्ट होती है तो ट्रांसफर ऑफ मैसेंजर आर एन ए न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म मैसेंजर आर एन ए न्यूक्लियस से निकलता है साइटोप्लाज्म में चला जाता है उसके बाद फोर्थ जो स्टेप्स uh, है लास्ट वन इज कॉल्ड द ट्रांसलेशन प्रोसेस ट्रांसलेशन में क्या होता है यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑफ डी एन ए क्या है यूजिंग इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन वो खुड़ इंफॉर्मेशन मीन्स वो खुड इंफॉर्मेशन ऑफ डी एन ए डी एन ए का जो इन्फॉर्मेशन था जो उसने मैसेंजर आर एन ए को दिया था यूजिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ डी एन ए प्रोटीन सेंथेसिस एक्सप्रेस प्रोटीन सेंसिस तो ये मल्टी स्टेप प्रोसेस है जो यू क्रियोट में रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन करता है तो हम पहले स्टार्ट लेते हैं ट्रांसक्रिप्शन से फर्स्ट जो हमारा स्टेप है या फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा प्रोसेस है अच्छा पेज वन जीरो रोल ऑफ जीन एंड प्रोटीन सिंथेसिस जो कैरेक्टर्स बॉडी के अपेयर होते हैं जो भी कैरेक्टर्स हो चाहे मेंटल हो चाहे फिजिकल हो वो इन द फॉर्म ऑफ कोड्स होते हैं फिर वो कोड्स उसकी ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन होती हैं और इस प्रोसेस को हम प्रोटीन सेंथिस कहते हैं या इसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन अब ये एक मल्टीपल स्टेप प्रोसेस है रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सेंथेसिस इसको हम जीन एक्सप्रेशन भी कहते हैं हाउ डज द जीन कोड फॉर अ प्रोटीन वर्क कैसे मतलब जीन जो है वो कैसे प्रोटीन बनाते हैं प्रोटीन सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन टू मेजर स्टेप्स ट्रांसक्रिप्शन एंड द सेकंड वन इज ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस द टू स्ट्रेन ऑफ डीएनए अनजिप एंड सेपरेट फ्रॉम ईच अदर डीएनए डबल स्टैंडर्ड है तो पहले दोनों जो स्ट्रेंड्स हैं जो जो दोनों उसके आ, जो पार्ट्स है वो अनजिप होते हैं अनवाइंड होते हैं खुल जाते हैं जिसको हम मैसेंजर आर एन ए कहते हैं जो कि डी एन ए से खोड लेता है कार्ड मैसेंजर आर एन एम आर एन ए स्मॉल एम आर एन ए दिस प्रोसेस इज कार्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन क्या है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आर एन ए फ्रॉम डीएनए इन दिस वेदर इंस्ट्रक्शंस प्रेजेंट इन द देंड ऑफ डीएनए एन एस्कॉप ऑन द मैसेंजर आरएनए एन ए क्योंकि जीन जो है वो लोकेटेड ओवर क्रोमोसोम तो ये डीएनए जो है अपना कोड मैसेंजर आरएनए को दे देता है तो ये स्टेप क्या कहलाता है दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन और ये स्टेप जो है वो न्यूक्लियस में होता है उसके बाद ये मैसेंजर आर

स्पेसिफिक अमाइनो एसिड्स टू द रबोसोम फिर उसके बाद रैबोसोम के लिए वो मुख्तलिफ किस्म के अमाइनो एसिड वो कंबाइन करता है ट्रांसफ़र करता है क्योंकि ऑलरेडी साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड्स मौजूद हैं द अमाइनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर कोड के मुताबिक डिफरेंट ट्वेंटी अमाइनो एसिड्स हैं और कोड के मुताबिक मुख्तफ अमानो एसड्स का सीक्वेंस बन जाता है एंड अ स्पेसिफिक सीक्वेंस इवेंचुअली फॉर्मिंग अब प्रोटीन और फिर आखिर में उससे प्रोटीन बन जाता है अभी हमारे पास डीएनए है जो डबल स्ट्रैंडेड है पहले ये अनजिप या अनवाइंड होता है दोनों स्ट्रैंड जो है एक दूसरे के साथ अटैच है फिर ये अनजिप हो जाता है एक हमारा जो है टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गया और एक हमारा कोडिंग स्ट्रैंड बन गया उसके बाद वो जो जो कोडिंग सॉरी जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है वो ट्रांसक्राइब हो जाता है और उसके बाद प्रोटीन सेंथसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है प्रोटीन सेंस ये ट्रांसक्रिप्शन है जो दोनों स्टेंस अनजिप होंगे उसके बाद ये है ट्रांसलेशन और दरमियान में यह क्या है इसमें एडनिन थायमिन साइटोसिन गी यूरोसल ये अमानो एसड तो ये डिफरेंट जी है न्यूक्टाइड्स हैं डी एन ए से आरएनए बन गया और उसके बाद आरएनए जो है वो कोड के मुताबिक अमानो एसिड्स वो कलेक्ट करता है कंबाइन करता है और उसके बाद प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है सो दिस इज़ अ मल्टी स्टेप प्रोसेस उसके पास कोड है और वो कोड ट्रांसक्राइब होता है उसके बाद ट्रांसलेट होता है और प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाती है जीन एक्सप्रेशन या इसको हम प्रोटीन सेंटेस कहते हैं जीन एक्सप्रेशन जैसे कि हमने इससे पहले स्टडी किया बुक में कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है दो स्टेप्स में ये प्रोसेस uh, कंप्लीट होता है जो मेन स्टेप्स हैं मेजरली ट्रांसक्रिप्शन है फर्स्ट स्टेप एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन अब डीएनए के पास इंफॉर्मेशन है डीएनए हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फर्स्ट स्टेप क्या है डीएनए हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन क्या है डीएनए हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आर एन ए दिस फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन फर्स्ट स्टेप है डीएनए से मैसेंजर आर एन ए बन जाता है अब यूजिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग इंफॉर्मेशन कौन सी इंफॉर्मेशन जो डीएनए में मौजूद है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए यूजिंग द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए प्रोटीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अब ये मैसेंजर उसी इंफॉर्मेशन को ये मैसेंजर आरएनए उसी इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करती हुई प्रोटीन सिंथेसिस करता है सो दिस स्टेप इज कॉल्ड ट्रांसलेशन फर्स्ट स्टेप हमारे पास ये ट्रांसक्रिप्शन हुआ एंड द वन इज कॉल्ड ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन अब डीएनए से आरएनए आरएनए बन जाता है 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 ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता उसके बाद जो वो उस कोड को राइबोसोम एक, एक लंबा चेन बन जाता है तो प्रोसेस uh, जो है प्रोटीन फॉर्मेशन ये ट्रांसलेशन कहलाता है अब फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसक्रिप्शन क्या है एंड हाउ इट टेक्स प्लेस ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट होता है सपोज हमारे पास सर दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये हमारे पास डबल स्टैंड डीएनए है ये क्या है दिस इज कॉल्ड डीएस डीएनए डबल स्टैंडर्ड है और दोनों स्टेंस क्या है दे आर एंटी पैरल टू ईच अदर दोनों स्टेंस क्या हैं एंटी पैरल दोनों स्टैंड एंटी पैरल है मतलब थ्री प्राइम फाइव प्राइम तो नेक्स्ट एंड पे फाइव और थ्री प्राइम सो so, ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया जो आ, यहां पर जो सीक्वेंस है एडेनिन साइटोसिन गिन फिर सपोज साइटोसिन थामिन एडनिन थामिन साइटोसिन सपोज ये हमारे पास फर्स्ट जो एक स्ट्रैंड है उसका ये सीक्वेंस है अब ये जो अरेंजमेंट है दे फॉलो बेस पेयर रूल्स यहां पर क्या है दे फॉलो बेस पेयर रूल्स बेस पेयर रूल्स अब पेयर रूल हमें क्या बताता है एडनिन जो है नाइट्रोजीनियस बेस है ये हमेशा बॉन्ड करता है थायमिन के साथ तो नेक्स्ट जो साइड है नेक्स्ट जो इसका स्ट्रेन है यहाँ पर थायमिन होगा फिर थायमिन जो है वो एडनिन के साथ बॉन्ड करता है फिर साइटोसिन जो है वो गुआनिन के साथ बॉन्ड करता है गवानी साइटोसिन के साथ फिर सी साइटोसिन है तो सी के लिए क्या है गुआनिन है फिर टी ए ए फिर टी इसी तरह टी ए और फिर सी जी एंड सोन इसी तरह ये बेस्पियर रूल फॉलो करता है ए आलवेस्पियस विद टी एंड जी विद सी तो ये बेस्पियर रूल्स हैं अब ये हमारे पास डबल स्टैंडर्ड डीएनए हो गया दोनों स्ट्रेंड्स हैं अब ये अनजिप हो गई अनवाइंडिंग हो गई अब कोई भी प्रोटीन जब बनता है उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल जो कोड्स होते हैं हमेशा वो ट्रिपलेट की शक्ल में है कोड्स क्या है इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट ट्रिपलेट की शक्ल में ये कोड्स होते हैं सपोज ये हमारे पास कोई अमानो एसिड के लिए कोई एक कोड है ये निक्स अमानो एसिड है सपोज और ये थर्ड अमानो एसिड है ये हमारे पास तीन अमानो एसिड्स के लिए कोड है ये एक अमानो एसिड हुआ इसी तरह ये भी एक अमानो एसिड है और ये भी एक अमानो एसिड है तो इनके लिए जो कोड है वो हमेशा ट्रिपलेट की शक्ल में मौजूद है जहां पर एक स्पेसिफिक कोड लाई करता है जिस स्ट्रैंड पे हमारा कोड मौजूद है सपोज हमें ये अमाइनो एसिड चाहिए और ये हमें ये तीनों थिओनामाइन एसिड चाहिए तो ये अमाइनो एसिड जिस स्ट्रैंड पे मौजूद है यानी के जिस पार्ट पे जिस स्ट्रैंड पे मौजूद है दिस स्ट्रैंड बिकम्स और कोडिंग स्ट्रैंड तो ये वाला जो स्ट्रैंड है दिस इज कॉल्ड अ कोडिंग स्ट्रैंड ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड बन गया इसका जो ऑपोजिट है ऑपोजिट स्ट्रैंड इज कॉल्ड द टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये वाला हमारे पास हो गया टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये कोडिंग स्ट्रैंड हुआ क्योंकि यहाँ पर स्पेसिफिक जो हमें कोड रिक्वायर्ड है जो हमें एसिड रिक्वायर्ड है उसके लिए जो कोड है वो इस वाले स्ट्रैंड पे मौजूद है तो इट बिकम्स और कोडिंग स्ट्रैंड ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड बन जाता है और इसका जो अपोजिट है कम्पलीमेंट्री स्ट्रैंड इट इज कॉल्ड स्ट्रैंड तो ये हमारा ये टेम्पलेट स्ट्रैंड बन गया और ये कोडिंग स्ट्रैंड बन गया अब यहाँ पर जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है ये हमारे पास होगा ये ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड होगा जो ट्रांसक्रिप्शन होती है तो वो इस कोडिंग स्ट्रैंड से होगी दिस कोडिंग है दिस इज कॉल्ड अवर ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड ये हमारा नॉन uh, कोडिंग इसको हम ट्रांसक्राइबिंग स्ट्रैंड कहते हैं और वो हमारा कोड मतलब कोडिंग स्ट्रैंड हो गया नाउ द एंजाइम विच हेल्प हेयर जो एंजाइम यहाँ रोल प्ले करता है फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आर एन ए फ्रॉम डी एन ए उसके लिए एंजाइम रिक्वायर्ड है एंड द एंजाइम इज कॉल्ड आर एन ए यहाँ पर जो एंजाइम इस्तेमाल होता है एंजाइम इज कॉल्ड आरएनए पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज ये एक एंजाइम है इट इज मेड अप ऑफ फाइव सब यूनिट्स आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम फाइव सब यूनिट से बना होता है दीज यूनिट्स आर टू अल्फा वन बीटा डेश वन बीटा एंड वन सिग्मा प्लस देर आर अदर थिंग्स जो के आ, खास स्टेप्स के, के दौरान या खास रिएक्शंस के दौरान अटैच या फिर डिटैच हो जाते हैं अच्छा, जो आर एन ए है एज़ वी डिस्कस इट इज़ मेड अप ऑफ फाइव सब यूनिट्स आर एन ए एंजाइम है पाँच यूनिट्स है बना है फर्स्ट टू अल्फा स्ट्रेंज, टू अल्फा स्ट्रेंज, दो अल्फा स्ट्रेंज हैं एंड दो जो अल्फा सब यूनिट्स हैं दे बाइंड टू इनिशिएशन प्रोटीन क्या है दे बाइंड अल्फास्ट्रेंड क्या रोल है इनका दे बाइंड टू इनिशियन प्रोटीन इनिशियशन प्रोटीन क्या है ये आगे हम पढ़ेंगे तो अल्फास्ट्रेंड्स सॉरी अल्फा जो यूनिट्स है दे बाइंड टू इनिशियशन प्रोटीन नेक्स्ट जो यूनिट्स uh, है वन बीटा डैश इट बाइंड टू डी एन ए टेम्पलेट वन बीटा सब यूनिट एंड इट बाइंड टेम्पलेट के साथ बाइंड करता है जो फर्स्ट uh, जो वन सॉरी बीटा सब यूनिट है इट बाइंड टू न्यूक्लियोथाइड बाइंड टू न्यूक्लियोटाइड्स और इसी तरह ये भी एक बाइंड्स टू न्यूक्लियोटाइड जो सिग्मा है ये फाइव सब यूनिट्स हैं टू अल्फा सब यूनिट से आरएनए पॉलीमरेज बना है अल्फा सब यूनिट क्या करता है बाइंड्स टू इनिशिएशन प्रोटीन वन बीटा डैश है बाइंड्स टू डीएनए टेंपलेट वन बीटा है बाइंड्स टू न्यूक्लियोटाइड एंड वन सिग्मा है इसके अलावा दो और चीजें हैं व्हिच अटैच एंड डीटैच ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेप्स कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें पहले है सिग्मा 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 यूनिट क्या करता है सिग्मा यूनिट इट अटैच ओनली ड्यूरिंग इनिशिएशन ऑफ आरएनए सिग्मा यूनिट है एंड नेक्स्ट थिंग इज कॉल्ड रो फैक्टर आर एच ओ रो फैक्टर दीज टू थिंग्स दे अटेच एंड डिटेच ड्यूरिंग स्पेसिफिक स्टेप्स जो सिगमा यूनिट है इट अटैच ओनली ड्यूरिंग इनिशिये ऑफ आर एन ए ड्यूरिंग इनिशियन ऑफ आर एन ए मैसेंजर आर एन बन जाता है उसकी इनिशिएशन होती है आगे हम जाकर डिस्कस करेंगे तो उस दौरान सिग्मा यूनिट बाइंड हो जाता है एंड जो जो आर मतलब जो रो फैक्टर है इट ड्यूरिंग बागेशन एंड टर्मिनेशन ये इलोंगेशन और टर्मिनेशन के दौरान बाइंड होता है इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन उस ट्रेंड को इलोंगेट करना और फिर उसको एंड करना खास जो प्रोटीन प्रोटीन्स कंप्लीट हो जाती है उसके बाद टर्मिनेशन करना उसको स्टॉप करना तो ये फाइव सब यूनिट्स हैं प्लस एडिशनल थिंग्स सिग्मा और रो फैक्टर है और ये अटैच एडिटेज होते हैं ड्यूरिंग स्पेसिफिक रिएक्शन इसके अलावा दो अल्फा यूनिट्स हैं बाइस ड्यूरिंग इनिशिएशन फिर वन बीटा बीटाडेस है डी एन ए ट्पलेट के दौरान फिर वन बीटा है तो न्यूक्लियोटाइड के साथ और सिग्मा एसोदी ओमेगा वो न्यूक्लियोटाइड के साथ बाइन करता है अच्छा अब यूजिंग दीज थिंग्स इन चीजों का इस्तेमाल करती हुई डी उसके पास कोड है आर एन है हाउ इट टेक्स प्लेस ये जो प्रोसेस है कैसे कंप्लीट होता है जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस है तो उससे पहले ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हम लेते हैं हमारे पास क्या है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट मतलब वही डीएनए है वही डबल स्टैंडर्ड है उसको हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट जो कि प्रोटीन सेंथिस में या फिर मैसेंजर आर की फॉर्मेशन में मदद करता है सो so, ये हमारे पास हो गया ट्रांसक्रिप्शन यूनिट यूनिट दिस इज ट्रांसक्रिप्शन अब उन तमाम इंफॉर्मेशन उन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ये हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है टू थ्री प्राइम फाइव प्राइम तो नेक्स्ट जो स्ट्रेन है उसमें फाइव और यहाँ पर थ्री प्राइम थ्री होगा ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहलाता है अब इस ट्रांसक्रिप्शन इसके अलावा अबाउट न्यू आर एन ए फॉर्मेशन न्यू डी एन एर एन ए बनता है इट आलवेज इलोंगेट फ्राम फाइव प्राइम टू थ्री प्राइम आर एन ए या फिर डी एन ए जो न्यू स्ट्रैंड बनता है इट ऑलवेज एलोंगेट फाइव प्राइम से थ्री प्राइम तक ये इस डायरेक्शन में ग्रो करता है एलोंगेट होता है चाहे डी एन ए हो चाहे आर एन ए हो ये हमारा ट्रांसक्रिप्शन यूनिट हो गया नेक्स्ट थिंग क्या है जो थ्री प्राइम और फाइव प्राइम है

फिफ्थ एंड है कोडिंग स्ट्रैंड का जो फिफ्थ एंड है ये वाला एंड ये कोडिंग स्ट्रैंड है और इसका जो फिफ्थ एंड है मतलब फिफ्थ कार्बन है इस फिफ्थ कार्बन के ऊपर एक प्रोमोटर साइट मौजूद होता है फिफ्थ कार्बन के ऊपर क्या है यहाँ पर एक प्रोमोटर होता है ये फिफ्थ कार्बन है और यहाँ पर सपोज कोई हम ऐसा स्ट्रक्चर uh, बनाते हैं दिस इज कॉल्ड प्रोमोटर ये प्रोमोटर साइट है फिफ्थ कार्बन के ऊपर जो कोडिंग स्ट्रैंड है फिफ्थ एंड या फिफ्थ कार्बन के ऊपर ये एक न्यूक्लोटाइड का सीक्वेंस मौजूद होता है एंड दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड प्रोमोटर ये क्या है ये प्रोमोटर कहलाता है ये प्रोमोटर कहलाता है अब प्रोमोटर क्या है इट इज एक्चुअली सीक्वेंस। प्रोमोटर क्या है इट इज न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ये न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है एंड दिस इज कॉल्ड प्रोमोटर साइट अब इस प्रोमोटर साइट की या फिर प्रोमोटर की जो अरेंजमेंट है अब इसमें जो स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड्स है वो इस शैकल के हैं जैसे टी ए टी क्यों ये डी एन ए है तो इसलिए टी ए टी ए टी एन सो वन ये ऐसे निक्रोटाइट अरेंज होते हैं अब सबसे जो कॉमन है जो सबसे कॉमन इस तरह सीक्वेंस है या फिर कॉमन जो प्रमोटर है कॉमन प्रोमोटर इट इज कॉल्ड द टाटा बॉक्स टी ए टी ए टाटा बॉक्स सबसे जो कॉमन प्रोमोटर होता है प्रोटीन सेंथिस में या फिर यहाँ पर जो स्टेप इस्तेमाल होता है वो टाटा बॉक्स कहलाता है और ये क्योंकि हमारे पास ये डी है तो ये ऑलवेज इस इट इज लाइक टी आई टी आई टी सोना ये सीक्वेंस होता है न्यूक्लियोटाइड का तो ये टाटा बॉक्स कहलाता है बिकॉज इट इज डी एन ए सो टी आई टी ए अब ये जो न्यूक्लियोटाइड का जो सीक्वेंस है या फिर ये जो प्रोमोटर साइट है प्रोमोटर जो अटैच है अटैचमेंट कैसी है सबसे पहले इट इज अटैच एट इट इज अटैच एट पहली जो अटैचमेंट है एट फिफ्थ कार्बन ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड ये कोडिंग स्ट्रैंड है और ये फिफ्थ कार्बन है तो ये प्रोमोटर फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच है इट इज अटैच एट फिफ्थ कार्बन ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। कोडिंग स्ट्रैंड के फिफ्थ कार्बन पे प्रोमोटर अटैच है अब कोई भी चीज जब फिफ्थ कार्बन पे अटैच हो उस अटैचमेंट को या फिर उस अरेंजमेंट को हम कहते हैं अपस्ट्रीम क्या है ये दिस इज नाउन एज अपस्ट्रीम दिस कॉल्ड अप स्ट्रीम अप स्ट्रीम अटैचमेंट या अप स्ट्रीम अरेंजमेंट अगर हम दूसरे एंड को देखें इस ये प्रोमोटर है इस प्रोमोटर के हम अगर इस वाली एंड uh, को देखें इट इज अटैच एट द थर्ड कार्बन ऑफ द टेम्पलेट टेम्पलेट्रेंड ये क्या है Now, next, second you end it is attached it it is attached it the third carbon or third carbon of the template strand third carbon of the template strand so such arrangement is known as डाउन स्ट्रीम अरेन्जमेंट ऐसे अरेंजमेंट को हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम दिस इज कॉल्ड डाउन स्ट्रीम अब जब भी हम अपस्ट्रीम की बात करते हैं अपस्ट्रीम से हमारा मतलब होगा कोडिंग स्ट्रैंड पे और जब हम डाउन स्ट्रीम की बात करते हैं तो डाउन स्ट्रीम वर्ड जब आप सुनते हो तो इट मीन्स टेम्पलेट स्ट्रैंड की बात या फिर थर्ड थ्री प्राइम टू फाइव कार्बन मतलब इस स्ट्रैंड की बात हो रही है अच्छा तो यह हमारे पास प्रोमोटर साइट और उसकी अरेंजमेंट है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम नेक्स्ट अहम जो हमारे पास चीज है वो यहां पर आ, लोकेशन है ये प्रोमोटर एंड या प्रोमोटर साइड हुआ नेक्स्ट जो अहम चीज है वो ऑन द अपोजिट साइड इस डीएनए के अपोजिट साइड पे एक और स्ट्रक्चर मौजूद होता है एंड इज कॉल्ड द टर्मिनेटर अपोजिट साइड पे एक और स्ट्रक्चर है ये अपोजिट साइड पे मैं एक और ड्रा करता हूँ एंड दिस इज कॉल्ड द टर्मिनेटर ये टर्मिनेटर साइड है ये क्या है दिस इज कॉल्ड टर्मिनेटर दिस इज टर्मिनेटर और ये भी उसी तरह का न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है अब टर्मिनेटर की लोकेशन क्या है उसी तरह एक एंड इसका फिफ्थ कार्बन के साथ अटैच है

द डाउनस्ट्रीम तो ये हमारा ये डाउनस्ट्रीम हो गया और जब फिफ्थ कार्बन पे अटैच है तो ये अपस्ट्रीम हो गया ये टर्मिनेटर की या टर्मी टर्मिनेटर की लोकेशन है या उसकी पोजीशन है है अब कोडिंग कोडिंग स्ट्रैंड स्ट्रैंड हमारा जो uh, है, वो कौन सा है फिफ्थ कार्बन से थ्री कार्बन तक है हमारा कोडिंग स्ट्रेंड क्या है कोडिंग स्ट्रेंड कोडिंग ट्रेंड जो हमें स्पेसिफिक कोड रिक्वायर्ड है वो क्या है इट इज़ फ्रॉम फिफ्थ टू थ्री कार्बन ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड है और इसका जो ऑपोजिट है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड कहलाता है टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या है ये कोडिंग स्ट्रैंड हुआ टेम्पलेट क्या है टेम्पलेट इज थ्री टू फाइव थ्री प्राइम से फाइव प्राइम तक जो स्ट्रैंड है वो टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ये हमारा फाइव प्राइम थ्री प्राइम ये हमारा कोडिंग स्ट्रैंड कहलाता है अच्छा ऑन दिस स्ट्रैंड न्यू आर एन इज गोइंग टू बी सेंटिस जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है इसी स्ट्रैंड पे आर एन ए आकर यहाँ बाइंड होगा फिर इनिशिएशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है उसके बाद इलॉन्गेशन का प्रोसेस होता है उसके बाद टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है तो इसी टेम्पल स्ट्रैंड के ऊपर आर जो न्यू आर एन है जिसको हमने मैसेंजर आर कहा वो मैसेंजर आर एन यहाँ आकर बाइंड होता है उसके बाद एनिशिएशन फिर इलॉन्गेशन फिर टर्मिनेशन का प्रोसेस शुरू होता है और फिर लास्ट में प्रोटीन शांति हो जाती है सो वी विल टेक अप इट इन द नेक्स्ट पार्ट